तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे कि ये वीडियो जो होने वाला है, ये मेरी XUV 500 जो मैंने गाड़ी ली है उसका एक्चुअल माइलेज टेस्ट होने वाला है। और ये वीडियो एक्चुअली मैंने 2 दिन पहले शूट करा था जब मैं जयपुर से उदयपुर जा रहा था, और मैंने इसके माइलेज का रिकॉर्ड रखा, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस वीडियो के माध्यम से मुझे शायद पहली बार देख रहे होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो एक्चुअली मेरी आदत है, मैं जो भी चीज़ जो भी गैजेट प्रोडक्ट्स मेरे पास होते हैं मैं उनकी सारी नीटी ग्रिटी जानने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि उनको मैं उनको मैक्सिमम उनके लिमिट्स जो हैं वो चेक कर सकूँ, और ये मैं अपने लिए करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, जिनको अभी रिसेंटली पता लगा कि मैंने XUV 500 ली और वो लेना चाहते हैं, सो उन लोगों ने मुझे पूछा कि गाड़ी कैसी है, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि गाड़ी माइलेज कितनी देती है। और ये हर हिंदुस्तानी के दिल में एक ही क्वेश्चन सबसे पहले आता है जब वो गाड़ी लेता है कि कितना देती है। और दोस्तों, ये कोई मैंने 10-20-50 किलोमीटर गाड़ी चला के आपके साथ ही फीडबैक शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये गाड़ी मैंने 800 किलोमीटर चलाई है। सो मैं आपको अपना एक, मैंने एक टेस्ट करा था करीब 150-200 किलोमीटर तक का, वो बताऊंगा, जो कि तकरीबन मैं जो है 100 की स्पीड पे चल रहा था। और जस्ट टू मेक यू अवेयर दैट के इंटायर टाइम द एसी ऑफ दिस कार वाज ऑन। कुछ देर हमने इस, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर डुअल एसी है, कुछ देर हमने गाड़ी का डुअल एसी भी ऑन करा था, पीछे वाला, रियर वाला, बट लेकिन बाद में हमने रियर बंद कर दिया था क्योंकि गाड़ी में इतने पैसेंजर नहीं थे। बट स्टिल दोनों एसी ऑन करेंगे तो मेरे को लगता नहीं ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैंने ये फ्रंट एसी ऑन करके गाड़ी 800 किलोमीटर चलाई है, और जो मैं आपको देने वाला हूँ फीडबैक माइलेज का, वो पहला करीब 150 किलोमीटर का रहेगा जो मैंने टेस्ट करा, और दूसरा जो मैं आपको फीडबैक दूंगा वो इंटायर 800 किलोमीटर का माइलेज रहेगा। मेरे हिसाब से इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी हैवी और इतनी स्ट्रॉन्ग SUV होने के बावजूद जो माइलेज और परफॉर्मेंस इस गाड़ी की आई वो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी। सो देखते हैं आगे क्या होता है, आपको दिखाता हूँ। सो देखिए, XUV 500 का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो गाड़ी भी देख लीजिए और आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूँगा कि इस गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव की जर्नी मेरी कैसी रहती है। फ्रेंड्स, अब तक मैं 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी कर चुका हूं, और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी इस टाइम जो माइलेज दे रही है वो दे रही है तकरीबन 18 किलोमीटर पर लीटर का, एसी ऑन है, और मैं 100 किलोमीटर पे क्रूज़ ऑन करके 6th गियर में अपनी गाड़ी को अजमेर रोड पे शानदार भगा रहा हूं, चला रहा हूं, तो इसकी कैपेसिटी बहुत हाई है, बट मैं सिर्फ 100 पे ही चला रहा हूं। एक्सपीरियंस इज वंडरफुल, मज़ा आ रहा है गाड़ी चला के। सो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा कि मैंने ये गाड़ी 90-100 की स्पीड पे तकरीबन 150 किलोमीटर तक चलाई, और इस गाड़ी में हम 4 पैसेंजर थे और थोड़ा बहुत लगेज भी था, और ये जो सफ़र था जयपुर से उदयपुर का सफ़र था। सो पहले 150 किलोमीटर तक जो मैंने इस गाड़ी की माइलेज नोट करी, वो माइलेज तकरीबन थी, तकरीबन नहीं, टू बी वेरी एग्जैक्ट, जो मीटर दिखा रहा है 18 किलोमीटर पर लीटर, विच इज़ अमेजिंग, लेट मी टेल यू, फॉर सच अ बिग साइज SUV, अ चंकी बिग बल्की SUV, द माइलेज इज ट्रेमेंडस। आई नेवर एक्सपेक्टेड माइलेज ऑफ दैट मच आउट ऑफ दिस कार, एंड सारे समय AC ऑन था। और जब ये पहले 150 किलोमीटर जब मैंने गाड़ी चलाई तो ये मेनली हाईवे पे ही चली है, जयपुर से लेके करीब 150 किलोमीटर डिस्टेंस उदयपुर का, बहुत शानदार रोड है अगर आप लोग इस रास्ते पे गए हैं तो। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोड जो कि जयपुर अजमेर का रोड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादा रुकने को मिला नहीं कहीं पर, प्रॉब्लम कोई नहीं हुई, तो हम सीधे सीधे गए, मैंने एक एवरेज स्पीड मेंटेन करी और इस गाड़ी ने 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दी। मैंने एक चीज नोटिस करी कि आप कितने ही आराम से, कितने अच्छे से चला लें, इसका माइलेज 18 से ऊपर नहीं दिखाता,
So this may be the limitation of this meter or the sensors, and the maximum reading they will display is 18. Otherwise, let me tell you, जब मैंने दूसरे तरीके से भी इस गाड़ी को टेस्ट करा, मैंने टैंक फुल कराया जयपुर में, और 150 किलोमीटर जाने के बाद मैंने बाकी फ्यूल फिर दोबारा से डलवाया, तो इस गाड़ी की जब मैं माइलेज कैलकुलेट कर रहा था, इट वॉज 19.3 जो मैंने फ्यूल से चेक करी. सो दिस इज अनदर वे ऑफ चेकिंग योर माइलेज, कि आप एक बार अपना टैंक फुल करवाओ और आप जितने किलोमीटर ड्राइव करो उसके बाद वहां जाके फिर दोबारा चेक कराओ, जितना पेट्रोल आएगा उसको टोटल किलोमीटर को उस उतने लीटर पेट्रोल से डिवाइड कर दो, आपको माइलेज पता लग जाएगी. सो द माइलेज वॉज 19.3 आई थिंक, इट वॉज वेरी गुड. एंड सरप्राइजिंगली, क्योंकि उदयपुर में और रास्तों में कई जगहों पर गाड़ी रुकी, बहुत जगह टोल टैक्स भी थे, एक आध जगह जाम भी मिला टोल टैक्स पे, तो 800 किलोमीटर सॉरी ये गाड़ी जब मैंने ये टूर करा, सो टोटल माइलेज इस गाड़ी की 800 किलोमीटर में 17.1 किलोमीटर पर लीटर आई, जो कि अगेन अमेजिंग है. एंड द कार परफॉर्म्ड सो नाइसली, आई फेल्ट वेरी सेफ इन दिस कार. और मैंने ये गाड़ी 90-100 पे फुल टाइम एसी ऑन पे चलाई है, और मेरे हिसाब से 17.1 का माइलेज आना 800 किलोमीटर के डिस्टेंस में इज वेरी गुड. और ट्रिप मीटर जो कि आप देख सकते हैं 903 किलोमीटर बता रहा है. सो 903 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद जो ओवरऑल माइलेज गाड़ी की निकल के आई है, वो निकल के आई है 7.1, जो कि बहुत अच्छी है. जैसा कि आप देख सकते हैं माइलेज है इस टाइम 17.1 किलोमीटर. वर्थ पेइंग द टोल, ऐसे रोड हैं जिन पे अगर आप गए हैं तो आपने एंजॉय करा होगा, और नहीं गए हैं तो ज़रूर जयपुर से उदयपुर या जयपुर से अहमदाबाद तक का सफ़र तय कीजिए, आपको मज़ा आएगा. सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो शायद इस गाड़ी के बारे में जानकारी पाने के लिए आपको ज़रूर सहायता करेगा. और क्योंकि मैं गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसकी R&D करता ही रहूँगा, सो अगर कुछ आपने जानना हो इस गाड़ी के बारे में, कुछ भी जो आपको लगता हो, सो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आप इसी वीडियो के मैसेज में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे को जो पता होगा मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा. तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो या चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को प्रोत्साहन मिले और मैं और वीडियोस बनाऊं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. अभी तक तो मैं एक नॉट अ प्रोफेशनल व्लॉगर, और मैं अपने शौक के लिए कर रहा हूं, और तो शौक मेरा जो है मैं पूरा करता ही रहूँगा. हाँ, बट लेकिन अगर आप लोगों का साथ मिल जाएगा, आप जैसे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, तो शायद मैं और अच्छे वीडियो बना पाऊँ. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो सो फार, एंड देर इज़ अनदर वीडियो कमिंग, जो कि मेरा जयपुर से उदयपुर का जर्नी का होगा, जो मैं जल्दी अपलोड करूँगा. सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़. थैंक यू.